अयोध्या में सोमवार को रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हो गया। इसके बाद पूरे देश में दीपावली जैसा माहौल दिखा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर मध्य प्रदेश में दिवाली जैसा माहौल बनाया गया। इस अवसर पर नगर के सभी मंदिर, घरों व प्रतिष्ठानों को आकर्षक रूप से सजाया गया था। वहीं कई जगह मंदिरों में भजन कीर्तन व भंडारों का आयोजन भी किया गया। स्कूलों में भी शनिवार को इसे लेकर आयोजन हुआ था। श्री राम अब अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। लोग उत्साह के साथ घरों के बाहर दीप जला रहे हैं। इंदौर क्षेत्र के ग्राम गौला में राम भक्तों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई। वहीं इंदौर में भगवान राम की 100x140 फीट की मनमोहक रंगोली बनाई गई। रंगोली में 3 टन रंगों का इस्तेमाल किया गया। राजेंद्र नगर के एक निजी कॉलेज के ग्राउंड में यह रंगोली बनाई गई। रंगोली में 8 रंगों के साथ 40 से ज्यादा शेड दिए गए। 9 बार विश्व कीर्तिमान बना चुकी शिखा शर्मा ने यह रंगोली बनाई है। अयोध्या में रामलला की मूर्ति कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा शालिग्राम चट्टान से बनाई गई है। यह एक काले रंग का पत्थर है। शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों में शालिग्राम पाषाण को भगवान विष्णु का ही एक रूप माना जाता है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। जय श्री राम। आज इस पावन पर्व की देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। आज अयोध्या में प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और जिस प्रकार से देशवासियों ने प्रभु राम का 14 वर्ष का वनवास खत्म होने के बाद जब अयोध्या आए थे उस समय दिवाली के रूप में मनाया था, आज ऐसा महापर्व हजारों वर्षों के बाद ऐसा आया है शुभ अवसर कि जहाँ पर प्रभु राम की जन्म स्थली अयोध्या में भव्य मंदिर में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। और इस शुभ अवसर पर मैं पुनः देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस दिन को हम एक महापर्व के रूप में मनाएं, महादिवाली मनाएं। अपने घर में दीपों की माला से हम घर को सजाएं, हम आतिशबाजी करें और हम सब एक दूसरे को बधाई दें, शुभकामना दें और आपस में भाईचारे के साथ रहे। जिस प्रकार से प्रभु राम ने अपनी मर्यादा को कभी नहीं लांगी, हम भी ये प्रयास करें कि हम अपनी मर्यादा में रहते हुए प्रभु राम के द्वारा जो बताया गया मार्ग है उस मार्ग पे हम चलें। दीन दुखी की
हम मदद करें, कभी भी किसी का हम दिल नहीं तोड़े, कभी भी हम अधर्म का काम नहीं करें, कभी भी हम पाप नहीं करें, यही प्रभु राम की सच्ची पूजा है और यही प्रभु राम की सच्ची आराधना है। मैं पुनः इस शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामना बधाई देना चाहता हूँ। जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।